जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सीआईसी पेशा एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए आज है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 और इसमें क्या है, प्रैक्टिस सेट में आपका टोटल क्वेश्चन है 25 और हम लोग को हम जो टाइम दिए आप लोगों को 18 मिनट टाइम दिए। तो क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों को जो मैसेज देना था वो मैसेज पहले आप लोग इसको सुन लीजिए बढ़िया से ध्यानपूर्वक। आज है दिनांक 6 सितंबर, तो आज है हमारा 17 नंबर प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, मतलब ख़त्म हो गया 17 नंबर प्रैक्टिस सेट। कल रहेगा आप लोगों का क्लास का ऑफ रहेगा, उसमें इसलिए ऑफ दिया जाएगा ताकि अभी से 1 से लेकर 17 तक जितना भी हमने प्रैक्टिस सेट कराया है पूरा प्रैक्टिस सेट को आप करिएगा रिवीजन। और हम क्या करेंगे, 8 सितंबर को इसका होगा टेस्ट रिवीजन प्रैक्टिस सेट। प्रीवियस का जितना भी क्वेश्चन कराया गया है उसमें कराएंगे आपका रिवीजन। टोटल इसमें क्वेश्चन आएगा आपका 50+ क्वेश्चन आएगा। पिछले बार हम 45 क्वेश्चन लेके आए थे, इस बार लेके आएंगे 50+ क्वेश्चन। तो आपको पता लग जाएगा आपने जो 17 प्रैक्टिस सेट हमारे साथ जुड़ के जो किए हैं आपका लेवल कहाँ पहुँच गया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आज का आपका जो कोडिंग डिकोडिंग का जो बचा हुआ वीडियो है आज आपका वो रीजनिंग का आ जाएगा और उसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, हु इज नॉट ए सबॉर्डिनेट ऑफिसर, अर्थात निम्न में से कौन सबॉर्डिनेट ऑफिसर नहीं है। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन ज़्यादा आ गया, इसको नीचे वाला ई को काट दीजिएगा। देखिए इंस्पेक्टर आपका क्या है, सबॉर्डिनेट ऑफिसर है। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर है और सब इंस्पेक्टर भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर है। तो ये जो ऑप्शन सी आपका हेड कॉन्स्टेबल है, हेड कॉन्स्टेबल जो होता है वो आपका सबॉर्डिनेट ऑफिसर नहीं होते हैं। तो चलिए उसके बाद दो नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या बोल रहा है, ये है आपका सीआईएसएफ एक्ट रोल से संबंधित है। बोल रहा है एन एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स कैन नॉट बी डिटेन अंडर फोर्स कस्टडी विदाउट ट्रायल कॉन्वेंट बाय कमांडेंट मजिस्ट्रेट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन, अर्थात बल के नामांकित सदस्यों को मजिस्ट्रेट या कमांडेंट या मजिस्ट्रेट द्वारा बुलाए गए मुकदमे के बिना फोर्स कस्टडी के तहत अधिक से अधिक अवधि के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। कितना दिन के लिए हिरासत में लिया जा सकता है, यह है आपका 8 डेज के लिए हिरासत में लिया जा सकता है, 8 डेज के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। अभी देखिए चलते हैं हम लोग तीन नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, अर्थात लंबाई की इकाई क्या है। देखिए लंबाई का इकाई है मीटर, जो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। अभी चलिए चार नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हिच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, अर्थात सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। चमकीला ग्रह होता है वीनस, जिसको बोलता है शुक्र, क्योंकि हमारा क्या होता है मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार इसी को बोला जाता है जो वीनस को। तो ये हो गया आपका ब्राइटेस्ट प्लेनेट हो गया चार नंबर का। अभी देखिए पाँच नंबर क्वेश्चन क्या है, पाँच नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच इज द बिगेस्ट प्लेनेट, मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ये हो गया जुपिटर, आपका ऑप्शन बी हो गया आपका बृहस्पति, आपका सबसे बड़ा ग्रह है। अभी देखिए छः नंबर क्वेश्चन क्या है, छः नंबर क्वेश्चन है व्हिच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। यह आपका टाइगर, जो आपका ऑप्शन बी है, यह आपका आंसर हो गया। अभी सात नंबर में देखिए, सात नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये रीजनिंग संबंधित क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सिलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द गिवन लेटर, अर्थात निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अर्थात ये जो आपका एक्सपेरिमेंटल जो दिया गया है इसमें से ये चारों में से देखना है कौन सा आपका आंसर होगा। देखिए इसको करने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। और कैसे पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ इसी तरह से पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल। तो आपका दिमाग में ये तो आ गया कि एक्सपेरिमेंटल में क्या क्या लेटर हो सकते हैं, तो आपको अभी करना है स्मार्ट वर्क। तो देखिए स्मार्ट वर्क में क्या किया जाता है, सबसे पहले चारों को एक बार अपना नज़र मिलाए चारों में, और चारों में नज़र मिलाने से आपको ऐसा देखिए देखने में आ रहा है लास्ट में जो ऑप्शन डी में आपका, इसमें देखिए एक एच है, एम ई टी एच ए एन ई, ये जो एच है आपका इसी में नहीं है।
तो आपको स्मार्ट वर्क करते हुए ऑप्शन डी में आपको क्लिक करते हुए चला जाना है, क्योंकि आप स्मार्ट वर्क थोड़ा हार्ड वर्क करना चाहते हैं। तो सभी को मिला के देख लीजिए, ये आपका इसमें पूरा लेटर है, ये भी आपका इसमें पूरा लेटर है, और ये भी आपका इसमें है, मगर ये जो है एच जो है लास्ट में एच इसमें नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन डी आपका 7 नंबर का आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 8 नंबर में क्या बोल रहा है, 8 नंबर में रीजनिंग का क्वेश्चन है, और ये क्या है, कोडिंग डिकोडिंग संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है ई को 5 मान रहा है, तो पेन को क्या मान रहा है, पेन को मान रहा है 35। तो देखिए ई का वैल्यू कितना होता है अल्फाबेटिक केले में, 5 होता है, तो पी का वैल्यू कितना हो गया, पी का वैल्यू होता है आपका 16, ई का होता है 5 और एन का होता है 14। तो देखिए 16 5 कितना होता है, 16 5 21, 21 21 है 14 में कितना होता है, 21 है 14 में होता है 35। तो हमको ये चीज़ पता चल गया कि इसमें अल्फाबेटिक जितना है उसको साम करके जितना संख्या आ रहा है उसमें लिखा जा रहा है। तो आपको क्या चीज़ पूछे, आपको पूछे पेज, पी ए जी ई, तो पी होता है 16, ए होता है 1, जी होता है 7, ई होता है 5। ये सबको याद कर लेना है, याद करने से क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो देखिए 16 1 हो गया आपका 17 17 7 होता है आपका 24 24 5 कितना होता है, 24 5 होता है 29। तो देखिए 29 आपका ऑप्शन डी आपका आंसर है। तो ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसमें आपको पूछे है इवन ऑड, मतलब ऑड का बारे में पूछे है, अर्थात क्लासिफिकेशन संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्दों को चुनिए। देखिए रुपीज़ क्या होता है, रुपीज़ होता है हमारा भारत का जो करेंसी बोलता है उसको, मतलब उसको रुपीज़ बोलता है। पाउंड भी आपका क्या है, करेंसी। ईएन भी क्या है, करेंसी। मतलब ये क्या होता है, ये आपका रुपीज़ होता है, मतलब ये क्या होता है, किसी देश को चलाने के लिए उसका जो अर्थ होता है उस जो रुपीज़ का नाम हो गया वेरियस। मगर करेंसी क्या होता है, ये जितना भी 3 है ये करेंसी का अंदर आता है। ठीक है, ठीक है। तो इसे ये हो गया करेंसी का, ये हो गया, ये सब का जो मूल बोला जाता है, मतलब करेंसी का ये क्या है, हर देश का नाम है ये तीनों। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 10 नंबर में हम चलेंगे। 10 नंबर में क्या बोल रहा है, ये जो फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सिलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्मेट यूजिंग द गिवन लेटर, अर्थात ये जो नीचे जो दिया गया है एडमिशन, ये एडमिशन को यूज करके नहीं बनाया जा सकता है, ये कौन सा है। तो देखिए मिशन तो इसमें खाली, इसमें पूरा सीधा सीधा है डी आई एस एम आई एस एस। देखिए इसमें डिसमिस में एस एक एक एक्स्ट्रा है, तो आप समझ सकते हैं आपका बी जो हो गया ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। तो और आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। अभी चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपका मैथ का संबंधित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैथ को हम पढ़ लेते हैं, और ये जो मैथ है आप लोगों का पिछला जो प्रैक्टिस सेट था, अर्थात ये हमारा 17 जो 15 नंबर प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आपका गलत में दे दिया था, गलत दे दिया था। मतलब क्या गलत दिया था, जो इसमें दिया था, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे गलत दिया था। तो क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है द अमाउंट ऑफ रेस 72,000 इज डिवाइडेड इंटू ए बी सी इन सच ए वे दैट द पोर्शन ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3। इफ द फ्रैक्शन ऑफ बी एंड सी इन द रेशियो 4:5, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, अर्थात बी का शेयर पूछे। और क्या बोल रहे हैं, रुपया ये 90,000 हमने इसलिए लिख के लिखा है, पिछले बार हमको इसी का ऊपर हमने गलती किए थे, ये 90,000 हम लिख के लेके आ गए थे, तो ये 90,000 आपका नहीं है। इंग्लिश में आपका दिया हुआ है 72,000, ये 72,000 आपका ओरिजिनल वैल्यू रहेगा। ये देखिए आपका लिखा है 72,000, तो आप शायद समझ गए होंगे जो ये 90 का जाएगा में आपका होगा 72। इसीलिए मैं क्या किया, इसको मैं ऐसा ही उठा के लेके आया ताकि आपको जो गलती हुआ था हमारा, मैं गलती को समझा सकूँ। तो चलिए अभी क्वेश्चन को इंग्लिश क्वेश्चन को देखते हुए करेंगे। तो क्या बोल रहा है, रुपया 72,000 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भाग 2:3 के अनुपात में है और बी और सी के भिन्न 4:5 के अनुपात में है, तो बी का हिस्सा। तो देखिए इसमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि बी का हिस्सा, बी का दोनों जगह में दिया हुआ है,
तो आपको क्या करना है, बी को एक कर लेना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले करेंगे ए इज टू, बी इज टू और सी करेंगे। ए बी कितना है, ए बी है आपका टू इज टू थ्री और बी और सी कितना है फोर इज टू फाइव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार से इस दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे और ये तीन से पाँच का कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, देखिए चार दुगने आठ हो गया आपका, तीन चार आपका हो गया बारह और तीन पाँच हो गया पंद्रह। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया पैंतीस। मगर टोटल पैंतीस नहीं बोल रहा है, टोटल आपका बोल रहा है वो है आपका बहत्तर हज़ार। तो बहत्तर हज़ार आपका कितना ज़्यादा है, आपका बहत्तर हज़ार जितना ज़्यादा है उसके साथ जितना गुना हो जाएगा उसके साथ क्या करना है, बी को गुना कर देना है। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा बाय मिस्टेक मेरे से क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमको इधर करना था सत्तर हज़ार, तो मेरे से क्या हो गया बाय मिस्टेक, इसको बहत्तर हज़ार हो गया। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, ये जो बहत्तर हज़ार है ये भी क्या हुआ, कंटेंट राइटर से ये मिस्टेक हुआ है, क्योंकि ये होगा सत्तर हज़ार। ये जैसे पैंतीस से हम सत्तर हज़ार को कितना गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दो हज़ार गुना हो जाएगा। तो ये देखिए आपको मांगा है बी, बी कितना है आपका हो गया बारह, तो बारह से आप दो हज़ार का गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा चौबीस हज़ार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौबीस। तो आप समझ सकते हैं आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें जो बहत्तर हज़ार दिया हुआ है ये बहत्तर नहीं होगा, ये होगा सत्तर हज़ार। तो आप क्या है कि कुछ कुछ छोटा छोटा मिस्टेक क्या होता है जो हमारा कंटेंट राइटर होते हैं उससे हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ। आगे से हम ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन ले आने के लिए पहले हम उसको चेक कर लेंगे। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, अभी 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का प्रोसेस तो आप समझ गए होंगे, चाहे क्वेश्चन का संख्या कुछ भी गलत हो, मेरा मतलब है आपको प्रोसेस को समझना है, प्रोसेस को समझना मेरा काम है। तो आपने तो प्रोसेस समझ लिया है तो मेरे को लगता है कि आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अभी देखिए ये 12 नंबर क्वेश्चन कैसा है, 12 नंबर क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दूंगा, इसलिए मैं आंसर नहीं दूंगा क्योंकि आंसर तो मैं दे दूंगा मगर प्रोसेस नहीं बताऊंगा कैसे आपको करना है। देखिए ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, आपका आंसर होगा, आप खुद से इसको करिएगा कि ऑप्शन ए आपका आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि फ्रैक्शन संबंधित क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और इसमें क्या आदमी को क्या आदमी इसी टाइप का क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन को खुद से करिएगा और कमेंट से कमेंट करिएगा कि आपका सही हुआ या गलत हुआ है। चलिए अभी 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं इस चीज़ को बता देता हूँ, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसमें आपका माइनस है बाकी सब में प्लस है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लस वाले को आपको जोड़ लेना है। तो कितना है, सबसे पहले 725, 775 और 500, कितना हो रहा है आपका, पाँच पाँच शून्य हो गया, सात पाँच सात दो हो गया, नौ शून्य हो गया, हाथ में एक हो गया, सात सात चौदह, चौदह पाँच कितना होता है, चौदह पाँच होता है उन्नीस, उन्नीस हो गया बीस। तो कितना हो गया आपका, हो गया 2000, 2000 से आप क्या करेंगे 500 माइनस कर देंगे। तो 500 2000 से 500 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका 1500 आपका आंसर हो जाएगा। अभी चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है यूनिट डिजिट से संबंधित, अर्थात इकाई अंक से संबंधित है। ये तो इसमें बोला है 45 × 45 × 45 × 45, इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए एक चीज़ आपको बताता हूँ, कभी भी पाँच आपका पाँच किसी भी संख्या में कंटिन्यू आ जाएगा तो उसका लास्ट का जो इकाई अंक पाँच ही होता है। क्योंकि आप क्या करेंगे, देखिए हमारा क्या है इकाई अंक इसमें 45 का लास्ट का चारों का चार पाँच है। तो देखिए 5 5 25, तो इसमें पाँच से फिर से इसको करिए 5 5 25 और इसमें भी करिएगा 5 5 25, तो आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन भी आपका हो गया। अभी देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, ये है एवरेज संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ द एवरेज ऑफ फोर टेस्ट इन 26 एंड वन नंबर इज ऐड टू ईच ऑफ देम देन देयर एवरेज बिकेम 30 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट कंटेंट, मतलब कंटेंट कांस्टेंट नंबर। यदि चार परीक्षकों का औसत 26 है और उनमें से प्रत्येक में एक संख्या जोड़ दी जाती है तो उसका औसत 30 हो जाता है। तो इस स्थिर संख्या का मान बताइए, अर्थात देखिए
क्या बोल रहा है, चार जो है परीक्षणों का औसत हो गया 26। ये तो आसान है आपका, क्योंकि ये आपका ऑप्शन आपका ए आंसर होगा। मगर देखिए इसको हम कैसे करेंगे, पहले आपको समझाएंगे इसका जो बड़ा प्रोसेस है, जो बेसिक प्रोसेस है। सबसे पहले 26 से आप क्या करिए, 4 का गुना कर दीजिए। तो 4 का गुना कर देने से आपका कितना ज़्यादा हो जाएगा, 26 से 4 का गुना कर देने से आपका देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है, उसका ज़्यादा हो जा रहा है 424 आपका 4 हो गया, और 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 10 हो गया, तो कितना हो गया 104 हो गया। अभी उसका क्या हो गया, औसत आपका 30 हो गया। तो अभी 30 से आप 4 का गुना कर दीजिए, 30 से 4 का गुना करेंगे तो 0 × 0 हो जाएगा, 3×4 = 12 हो जाएगा। तो 120 से 104 कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। तो 4 आदमी का 16 ज़्यादा हो गया, तो 4 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देने से 4 आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका बिग प्रोसेस, जो बड़ा घुमा हुआ प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस। मगर इसमें देखिए बोल रहे हर एक एक में संख्या बढ़ रहा है, 26 से 30 बनने के लिए कितना संख्या चाहिए आपको, इसमें 4 प्लस कर देने से 30 हो जाता है। तो सब में क्या हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, ये है HCF से संबंधित क्वेश्चन है, अर्थात जिसको बोलता है मासा, महत्तम समावर्तक। तो देखिए इसको करने के लिए मैं आपको पहले ही इसका प्रोसेस में बताया था, इसको करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है, मगर मेरा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप फॉलो करिएगा। सबसे पहले इस संख्या को सबसे पहले लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए। उसके बाद देखिए ये जो तीनों का जो संख्या है सबसे डिफरेंस किसका कम है, तो देखिए इसका ही दोनों का डिफरेंस सबसे कम है। तो डिफरेंस कम है तो इसमें देखिए कितना डिफरेंस है, 50। अभी 50 को तोड़िए ऐसा संख्या से जो आपका ऑप्शन में हो, और ऑप्शन में हो और आपका क्या है, ये सबको क्या है, डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 50 तो आपका ऑप्शन में है, 50 तो इसमें भी कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, मगर ये आपका 50 में नहीं कटेगा। तो किस में कटेगा, 25 × 2 कर दीजिए। देखिए 25 में ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो आपका क्या होता है, HCF होता है आपका जो सबसे बड़ा से बड़ा संख्या होता है। तो 25 ही आपका बड़ा से बड़ा संख्या है जो इस ये तीनों को कट जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। किसी किसी आदमी का मन में ये भी तो हो सकता है कि सर आपने तो ये दो क्वेश्चन को नज़दीक वाले को ले लिया, क्यों बड़ा वाला को लेने से क्या आंसर नहीं आएगा, बड़ा वाले को लेने से भी आपका आंसर, जो डिफरेंस लेने से भी आंसर आ जाएगा। खुद से करके देख लीजिएगा, आपको इसका आंसर वही आपका 25 ही आएगा। तो चलिए अभी 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपका रेशियो प्रोपोर्शनलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी किए थे, मगर वो क्या था, दूसरा था, ये दूसरा है। देखिए क्या बोल रहा है, 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 7:4, इफ 10 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच द रिजल्टिंग नंबर इन द रेशियो 5:2, फाइंड द नंबर। अर्थात क्या बोल रहा है कि दो संख्या है आपका, एक ही आपका 7:4 है, और ए इसमें से क्या हो रहा है, ये 7:4 से 10 घटाया जा रहा है, तो उसका परिणाम क्या हो रहा है, 5:2 हो रहा है, मतलब 10 घटने से। मगर देखिए इसमें से डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफरेंस 2 है, तो इसमें 2 घट रहा है अनुपात में, मगर टोटल में कितना घट रहा है आपका, ओरिजिनल 10 घट रहा है। ये कितना, 2 से कितना गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है। तो आपको संख्या ज्ञात करने के लिए बोले हैं, तो 7 से भी आप 5 का गुना कर दीजिए आपका 35 हो जाएगा, और 4 से भी आपका 5 का गुना कर दीजिएगा 20 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है आपका 35 और 20, दो संख्या आपको पता चल गया, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। अभी चलिए हम लोग चलते 18 नंबर क्वेश्चन में। ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, और इसमें बोला है आपका सिनोनिम से संबंधित क्वेश्चन है, सेम मीनिंग आपको पूछे। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का अर्थ होता है मानवता, जिसका अंदर मनुष्यत्व बोध होते हैं, तो इसको बोलता है मैन, जो ह्यूमन काइंड, जो ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, हॉलीडे, हॉलीडे का अर्थ होता है छुट्टी, तो वैकेशन हो गया इसका आपका जो सटीक सही आपका सिनोनिम। अभी देखिए ये भी आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अपोजिट वर्ड, अर्थात आपको एंटोनिम्स पूछे हैं। एंशियंट, एंशियंट का अर्थ होता है पुराना, अर्थात प्राचीन, तो प्राचीन का क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा मॉडर्न, जो आपका ऑप्शन बी है आपका मॉडर्न हो गया आपका एंशियंट का अपोजिट वर्ड। अभी देखिए चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहे हैं अपोजिट वर्ड बैटल, बैटल का अर्थ होता है युद्ध या वार, तो इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, युद्ध का या वार का अपोजिट हो जाएगा पीस, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अभी चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है अपोजिट वर्ड संबंधित क्वेश्चन है, बोल रहा है केनी, केनी का अर्थ होता है चालाक,
जो बहुत होता है क्लेवर होता है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, फूलिश आपका आंसर हो जाएगा, जो होता है सबसे मतलब बुड़बक आदमी होता है। अभी देखिए 25 नंबर क्वेश्चन भी आपको 23 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका ऑपोजिट वर्ड कैच। कैच का अर्थ होता है किसी चीज़ को पकड़ना या किसी चीज़ को अपने कब्जे में रखना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, जिसको बोलता है रिलीज कर देना, किसी को मुक्त कर देना। अभी चलिए 24 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपको पूछे ऑपोजिट वर्ड बिलीव। बिलीव का अर्थ होता है किसी को विश्वास करना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, किसी को विश्वास ना करना अर्थात किसी को डाउट करना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया ऑपोजिट वर्ड। अभी देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। तो देखिए इसमें कितना क्वेश्चन था, अच्छा ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये आपका ईडीएम से संबंधित क्वेश्चन है। ये बोल रहा है A to Z का अर्थ क्या होता है। देखिए अल्फाबेटिकली में ए से लेकर जेड तक क्या होता है, ए होता है पहले का नंबर, जेड होता है क्या लास्ट का नंबर। तो फ्रॉम ए टू जेड का अर्थ होता है कि शुरू से लेकर लास्ट तक, जो आपका ऑप्शन बी में है फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। तो ये हो गया ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। तो आप समझ सकते हैं आपका 25 क्वेश्चन हो गया है। तो आपका टोटल यहाँ पे जो टाइम लगा 21 मिनट 3 सेकंड हो गया, मगर आपके साथ मैं कितना बात किया बताइए, कम से कम तो मैं 3 से 4 मिनट का तो मैं बात ही कर लिया। तो आप समझ सकते हैं आप कोशिश करेंगे तो 18 मिनट का जाएगा, मैं इसको 15 मिनट में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए कल करेंगे, कल तो हमारा छुट्टी है, परसों जो आप करेंगे हम लोग करेंगे इसका रिविजन प्रैक्टिस सेट। तो सभी कैंडिडेट को मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग सभी पढ़ के आइएगा, रिवीजन करके आइएगा और अच्छा लगने से लाइक करिएगा। मैं शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग इसको पैसा देके ख़रीदा है, शेयर कर देने से आप ही लोगों का दिक्कत होगा। क्योंकि जो बंदा पैसा देके कोर्स को परचेज नहीं किया है उनको भी ये चीज़ मिल जाएगा, तो आप क्या होगा उसको पैसा बिना पैसा खर्चा करते हुए सब कुछ मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं वो ठीक नहीं है। तो चलिए जय हिंद जय भारत।